गाइस, हमारी बेसन की रोटियां बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी है। उनको दो तरीके से बनाना बताएंगे, जो दोनों ही इजी ढंग से हैं बनाने रोटियां, जो कि ग्रेवी वाली सब्जी के साथ बहुत प्यारी, बहुत यम्मी लगती हैं। जैसी आपने यूट्यूब पर देखी होंगी रोटियां, ये वैसी रोटियां नहीं है, ये भी हैं बेसन की बहुत स्पेशल ग्रेवी के संग खाने वाली रोटियां। तो देखिए हमारी ये रेसिपी। एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। ये देखिए गाइस, हम आज बनाने जा रहे हैं बेसन की रोटी, जो कि ऐसी रोटी आप लोगों ने जो YouTube पर देखी होगी वो रोटी नहीं बनाएंगे हम आज, स्पेशल दूसरी वाली रोटी बनाएंगे जो कि हम सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो ये रही एक कटोरी आटा और एक कटोरी बेसन, ठीक है। इसको हम स्ट्रेनर से छान लेंगे, ये देखिए छान लेंगे तो बराबर से छन के आएगा, इसलिए ये देखिए गाइस, हमने एक कटोरी बेसन और एक कटोरी आटा छान लिया। देखिए बेसन में आटा डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आटा नहीं डालेंगे ना तो बाइंड नहीं होगा बेसन, ठीक है। आप इसमें मसाला डाल के भी, जैसे कि धनिया है, प्याज है, नमक है, ये सब चीजें डाल के बना सकते हैं, और वो तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। और ये रोटियां जो हम बनाएंगे वो अलग तरीके की होंगी। ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे। देखिये बेसन में पानी थोड़ा सा जाता है, बहुत ज्यादा नहीं जाता है, इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा करके आटा लगा लेंगे। और ये सादी सिंपल रोटियां होंगी हमारी, जो कि सब्जी के साथ बहुत बहुत टेस्टी लगेंगी। तो इनको हम ब्लिस करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है और अच्छे से डो लगा लिया, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा नहीं ऐड होता, अगर पानी ज्यादा ऐड कर लेंगे ना लूज हो जाएगा। ये देखिए आधा कटोरी पानी लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा लूज नहीं बनाना है डो को, और इसको अब हम 5 मिनट के लिए रख देंगे आटे को, ठीक है। और ये सेट हो जाएगा हमारा आटा। ये देखिए गाइस, इसको ऐसे कवर करके रख देंगे, 5 मिनट बाद मिलेंगे आपके। ये देखिए गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसको दो तरीके से बनाना बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आप जिस तरह से आपको सपोर्ट, जिस तरह से आप बना पाए उस तरह से बनाए। तो देखिए इसको रोल करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये बहुत पतली नहीं बनती हैं रोटियां, तो इसकी हम लोई थोड़ी सी बड़ी तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह की लगभग लगभग 4 लोइयां तोड़ी हैं। ये जो हम आटे वाली लोई, आटे वाली रोटियां बनाते हैं उससे, आटे लोइयां उससे जो ये हैं डबल हैं, मतलब जो हम आटे वाली रोटी दो बनाते हैं जितने आटे की, उतने आटे की हम ये एक बनाएंगे। तो इसको हम आराम से इस तरह से करते हुए गोल करेंगे, और देखिए ये इस तरह से सूखा आटा लेंगे और अपनी लोई को इस तरह से इसमें कोट करेंगे, और इसको ऐसे बढ़ाते हुए हम देखिए हाथ की मदद से ही बना रहे हैं, बिल्कुल भी इसमें हम बेलन नहीं लगाएंगे, और हाथ की मदद से ही इसको हम बढ़ाएंगे इस तरह से करके। ये देखिए ये अपने हाथ को ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से, और ये चुटकी से ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे, अंगूठे, इस अंगूठे और इस हाथ से ऐसे करके, ठीक है। ऐसे बीच में पुश अप तरफ से ऐसे ऐसे कर लेंगे। देखिए पहली बार बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन फिर जब आप बनाने लगेंगे, एक से दो बार बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगी। बस इस तरह से देखिए ये बढ़ चुकी है। अब जो अपने हाथ की जो हमारी ये गदेली होती है उसकी सहायता से हम इस तरह से बढ़ाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो इसको हम इस तरह से हल्का हल्का सा करके बढ़ाते जाएंगे इस तरह से, देखिए जितनी भी पतली आप कर पाए उस हिसाब से हम बढ़ाएंगे। और वैसे भी ये देखिए शुगर के मरीजों के लिए, या जो डाइट फॉलो करते हैं, ठीक है, जो ज्यादा आप दुबले नहीं हो, मोटे नहीं होना चाहते, उस वो ये रोटी को बहुत शौक से खा सकते हैं। ये देखिए देखिए कितनी प्यारी बनी है, और थोड़ा सा ये यहाँ पर सेफ नहीं लग रहा है तो उसको आप सेफ कर दीजिए गोल से। एक मिनट आपको हम इसमें रख कर दिखाते हैं। ये देखिए जैसे ये यहाँ पर आपका सेफ नहीं बन रहा है, उसको ऐसे हाथ से सेफ में ले आइए तो ये गोल हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये हो चुका है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हमने अपने तवे को फ्लेम पर रख दिया था 10 मिनट पहले, लेकिन बिल्कुल स्लो जो तवा होता है उसी तरह से हमने गर्म किया है, और अब इसको धीरे से इस पर डाल देंगे, ठीक है। तो 2 मिनट इसको ऐसे ही डाल देंगे, पकने देंगे। ये देखिए गाइस, ये दिख रहा होगा आपको कहीं कहीं पर ये बबल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी रोटी लगभग हो चुकी है। तो इसको हम
पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है रोटी पर। देखिए अब 2 मिनट हो चुका है, तो ये देखिए पीछे भी हो चुका है, तो इसको अब हम सेकेंगे। ये देखिए अब इसको निकाल कर साइड में रखेंगे। और ये देखिए रोटी को बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर हमें सेकना है अच्छे से, बिल्कुल ऐसे घुमाते घुमाते बहुत अच्छे से हाथ हाथ से सेकना, जिससे कि कहीं से भी कच्ची ना रह जाए। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से देख लीजिए। ये देखिए गाइस उस साइड में सिक गई है, तो हम दूसरी साइड में पलट कर सेक लेंगे, बट धीमी ही आंच पर सेकना है, ज्यादा तेज थोड़ा सा तेज कर दीजिए, वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बट ये ध्यान रहे कि हमारी ये मोटी रोटी है, देखिए इस तरह से खड़ी रोटी कर भी सेकना है हमको इस तरह से, तो ये बहुत अच्छे से सेकना होता है, क्योंकि कुछ थोड़ी सी रोटी मोटी होती है ना ये, इस वजह से। ये देखिए गाइस हमारी सिक चुकी है, तो इसको अलग हटा के रखेंगे और गैस को फिर से रख देंगे। ये देखिए गाइस ऐसे एक वायर रैक ले लीजिए, उस पर रख दीजिए, जिससे कि नीचे से ना जो पानी आ जाता है भाप से वो नहीं होगा, इससे रोटी खराब नहीं होगी हमारी। देखिए गाइस उसी तरह से हम सेकेंड रोटी भी ले लेंगे, और हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए गोल कर लिया। अब गोल करने के बाद हम इसी तरह से सूखा आटा लगाएंगे इस लोई में, ठीक है, और हाथ से इसको हम ऐसे करके फिर उसी तरह से बढ़ा लेंगे और फिर से सेकेंगे। ये देखिए गाइस अभी तक तो हमने आपको यहां से बढ़ाना बताया था, अब जिनका ये यहां पर नहीं बढ़ पाता, नहीं बढ़ा पाते यहां से, तो एक बार इन उंगलियों पर भी रख के बढ़ा सकते हैं। जैसे ये देखिए इस तरह से, इस तरह से बहुत आसानी से, ये देखिए इस तरह से, और इन जगहों से प्रेशर देते हुए हमको ये रोटी बनानी है, और बहुत 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 टेस्टी बनती है, एकदम गोल राउंड में बनेगी। देखिए प्रैक्टिस करने पर होगा आप लोगों को, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, बाकी बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनेगी इस तरह से। ये देखिए, देखिए कितनी बढ़िया गोल बनी है, आपको डाल के दिखाते हैं तवे पे। ये देखिए इसको हम इस पे डाल देंगे, बिल्कुल देख लीजिए परफेक्टली गोल है रोटी हमारी। और एक चीज गाइस ध्यान रखिएगा कि हाथ की रोटी बनाने में ना पूरे हाथ का रहता है, पहले हम अपने हाथ से इन उंगलियों को इस्तेमाल में लाते हैं बढ़ाने के लिए, फिर रोटी हमारी बिल्कुल इवन हो, बराबर हो, तब हम इसको इस चीज से ऐसे करके हम करते हैं, जिससे कि हमारी रोटी जो है वो अच्छे से बनकर आए। जो ये है एक मोटाई जो इस रोटी की होती है वो इस चीज से बराबर हो जाती है, ज्यादा उंगलियां छप कर नहीं आती है, क्योंकि उंगलियों से बढ़ाते हैं, तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये उंगलियां बन रही हैं इस पर, तो उन उंगलियों को हटाने के लिए इस चीज का प्रयोग करते हैं। देखिए उस साइड में भी हो गया है, तो आप इस साइड में ये देखिए कितनी प्यारी रोटी बनकर आई है। ये देखिए गाइस अब इसको ये हो चुका है, तो इसको भी हम सेक लेंगे इस तरह से। और देखिएगा यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेम हमने फुल कर दी, और देखिए रोटी कितनी अच्छी फूल कर आई है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। आप फ्लेम को धीमा करेंगे और धीरे धीमी आंच पर सेकेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया रोटी हमारी सिकी है। ये देखिए गाइस कितनी प्यारी रोटी हमारी सिक के आई है, देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है रोटी का। ये देखिए अब इसी तरह से इसको भी वायर रैक पर रख देंगे। देखिए हमारी रोटी कितनी प्यारी बनी है, चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं। ये देखिए गाइस इस प्रोसेस में हमें बेलन की, उसकी बेलन और चौकी की भी जरूरत होगी, जिसमें हम ये लेंगे घी, ठीक है, 1 स्पून घी लिया है, इस पर ऐड किया है, और इससे अच्छे से लोई में लगाएंगे, और फिर हम बेलन से ऐसे करके हल्के हाथों से इसको बेलेंगे। देखिए रोटी की तरह गोल गोल नहीं घूमेगा ये, बट इसको ऐसे ही हमें बेलना होगा इस तरह से। ये देखिए आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं आराम से। ये देखिए जो लोग घी अवॉइड करते हैं उनके लिए वो बहुत बेस्ट है बिना घी की, और जो लोग घी भी खाते हैं, अच्छा खासा घी खाते हैं, तो वो ऐसे रोटी बना सकते हैं। चलिए इसे तवा पे डालते हैं। ये देखिए हम अपने तवे पे डाल देंगे इसको और अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए गाइस हम पलट कर देखेंगे इसको, ये देखिए किस तरह से होके आई है। देखिए इसको भी सेकना है, सेकने का तरीका लगभग एक ही है। ये देखिए बस उसी तरह से रोटी को हटाया और अच्छे से
हल्की फ्लेम पर सेक लेंगे, फुल फ्लेम पर नहीं सेकना है, हल्की फ्लेम पर सेकना है। देखिएगा इस बस ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, बस थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर और हाथ से पेलने में ना थोड़ा सा ये होता है कि वो रोटियां जो वो चपातियां हमारी फूल कराती हैं, और ये जो हम घी लगाकर बनाते हैं या ऑयल लगाकर बनाते हैं तो वो रोटी सिक तो अच्छी आती है, कच्ची नहीं रहती वो भी, बट फूल कर नहीं आती हमारी, अच्छे से फूलती नहीं है। ये देखिए गाइस उसी तरह से हमें चौथी रोटी भी बेल लेनी है। ये देखिए गाइस आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं सामने ही कि जो हमने घी की रोटियां लगा के बेली हैं, दो रोटियां घी की बेली हैं घी लगा करके, वो दोनों की दोनों ही हमारी फूली नहीं है और वैसे की वैसे है लेकिन सिक गई। ये देखिए गाइस हमारी रोटियां तैयार हैं बनकर, आप देख सकते हैं आपके सामने है। ये देखिए ये कुछ व्हाइट पन लिए हुए क्योंकि हमने इसमें सूखा आटा लगाया था, और ये बिल्कुल येलो है, तो ये दोनों की दोनों रोटियां हमारी बनकर रेडी हैं। तो आप लोग घी लगाइए और इनको आलू की सब्जी के साथ या किसी भी सब्जी के साथ, ग्रेवी वाली सब्जी के साथ ज्यादा ही अच्छी लगती हैं, तो इनको खाइए और एंजॉय करिए।